कश्मीर के कांडीपुरा इलाके की एक लड़की जिसका नाम है रूमी जैन। इस लड़की का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट होने के कारण वह हैंडीकैप्ड होगी और आज रूमी जैन ने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पास हुई है। और रूमी जैन के घर वाले व स्कूल के टीचर्स ने रूमी जैन को शाबाशी दी और सरकार से अपील करते हुए कहा कि अगर सरकार की तरफ से इस लड़की को कुछ मदद मिल जाती है तो वह आगे कुछ और कर पाएगी। जो ये लड़की है रूमी जान, ये तो बर्थ से ही बाई बर्थ ही ये हैंडीकैप्ड थी। तो जब हमारे स्कूल में आई 9वीं जमात में पढ़ने के लिए, तो मुझे पूरा याद है कि ये पढ़ नहीं पाती थी, लिख नहीं पाती थी, बहुत कमजोर थी पढ़ने में। बुनियादी वजह यही थी कि इसके जो पैरों में जो दर्द था, ये उसको सताता था पैदल चलने में। यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है हाई स्कूल हसनूर, तो बहुत मुश्किल उसको आते थे। तो ऑफ एंड ऑन ये एबसेंट रहती थी स्कूल से। तो जो ये एबसेंटी इसकी थी, इस लिहाज से ये पढ़ नहीं पाती थी अच्छी तरह से। लेकिन बाद में हम उसातिज़ा किराम ने वहाँ पर बहुत मेहनत की, तो इस बच्ची को हमने मजबूर किया कि ये स्कूल पर आए, तो हमने भी मदद की उसको। तो इसकी जो प्रेजेंस थी उसको 100% बनाया। तो यही वजह है कि आज ये पास हो गई मैट्रिक में। ये इस गांव की वाहिद बच्ची है जिसने मैट्रिक पास की, बहुत काबिल बच्ची है, ये बहुत जहीन भी है। लेकिन जो प्रॉब्लम है इसके ऑब्स्टेकल जो है वो यही है कि ये हैंडीकैप्ड है। अगर इसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिले, खुसूसन अगर स्कूटी मिले, क्योंकि अब इसको हायर सेकेंडरी जाना है सालिया, तो वहाँ तक तकरीबन 7-8 किलोमीटर है, तो वहां जाने से इसको इसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हैंडीकैप्ड है, इसको फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिले, कोई स्कूटी मिले, तो ये अपनी स्टडीज को आगे ले जाए।